में शब्द एफआईआर काफी जाना पहचाना नाम है। जब भी किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है या पूछताछ करने के लिए ले जाती है, तो जनसाधारण द्वारा कहा जाता है कि उस व्यक्ति के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई है, या जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई घटना घटित होती है, तो उस व्यक्ति को जनसाधारण द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहा जाता है। आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि एफआईआर क्या है, यह किस व्यक्ति के द्वारा दर्ज कराई जाती है, यह कहां और कब दर्ज करवाई जाती है, यह किन मामलों में होती है और किसके द्वारा दर्ज करवाई जाती है, इसका क्या परिणाम होता है। प्राय अपराध दो प्रकार के होते हैं, पहला संज्ञेय अपराध और दूसरा असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध क्या है, इस पर अलग से वीडियो लेकर आना उचित रहेगा, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि साधारण बोलचाल में संज्ञेय अपराध को गंभीर प्रकृति का और असंज्ञेय अपराध को साधारण प्रकृति का अपराध माना जाता है। एफआईआर शब्द अर्थात प्रेस्ड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे हिंदी में फर्दम सूचना रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे जनसाधारण में रपट के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 में प्रावधान किया गया है। जब कोई व्यक्ति राज्य के विरुद्ध या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपराध करता है, तो उस दशा में उस व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराध से जो भी व्यक्ति आहत होता है या किसी व्यक्ति को कोई क्षति या नुकसान होता है, वह उस व्यक्ति के खिलाफ एक सूचना स्थानीय पुलिस थाने में इस आशय की देता है कि उक्त व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और आप उस व्यक्ति को दंडित करवाते हुए मुझे न्याय दिलवाएं। अपराधियों को दंडित करने का कार्य न्यायालय द्वारा किया जाता है। एफआईआर कोई भी व्यक्ति लिखा सकता है। जिस किसी व्यक्ति में या जिस किसी थाने में यह सूचना दी जाती है, उस थाने का बाशदक अधिकारी रोजनामचे में उक्त सूचना की प्रविष्टि करने के पश्चात सूचना को लेखबद्ध कर उसकी एक कॉपी सूचनादाता को मुहैया करवाता है। लेखबद्ध की गई सूचना का या लेखबद्ध की गई सूचना पर सूचना प्रदान करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर भी होते हैं। ऐसी सूचना लिखित रूप में भी दी जा सकती है। जैसे ही सूचना पुलिस अधिकारी द्वारा लेखबद्ध कर ली जाती है, तब उस लेखबद्ध सूचना की कॉपी निःशुल्क प्राप्त करने का अधिकार भी सूचनादाता को प्रदान किया गया है। एफआईआर लिखवाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाती है। अगर कोई पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करवाने के बदले पैसे की मांग करता है, तो उसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की जाकर उस पर कार्रवाई की मांग की जा सकती है। उक्त सूचना से प्राप्त तथ्यों के आधार पर पुलिस अधिकारी मामले का अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन करता है, अर्थात मामले के तथ्यों के आधार पर अपराध की प्रमाणिकता का पता लगाता है। उसके बाद वह पुलिस अधिकारी एक रिपोर्ट तैयार करता है, जिसे बाद में न्यायालय में प्रेषित कर दिया जाता है, जिसे चार्जशीट के नाम से भी जाना जाता है, जिस पर जल्द ही मैं आपके बीच वीडियो लाने वाला हूँ। तब तक आप अपना स्नेह प्यार मुझ पर यूं ही बनाए रखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको इसी प्रकार की कानूनी जानकारी मिलती रहे और मेरा हौसला भी बढ़ता रहे। धन्यवाद।